अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ साउथ इंडियन इडली की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है, वो जब इडली बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। तो इडली बनाने के लिए इसका सबसे मेन पॉइंट है इसकी मेजरमेंट। तो इस ग्लास से मैं आपको इसकी सारी मेजरमेंट बताऊंगी। तो इडली का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 ग्लास चावल लेंगे। तो ये इडली राइस है, ये स्पेशली इडली के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये साइज़ में थोड़े से छोटे और मोटी साइज़ के ये चावल होते हैं। तो ये इडली राइस आपको किसी भी शॉप पर आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको ये राइस नहीं मिल रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं, आप घर में जो चावल यूज़ करती हैं आप उससे भी बना सकती हैं। तो 2 ग्लास हमने चावल लिए थे और इसी ग्लास से हम 1 ग्लास उड़द दाल लेंगे, इसे माश की दाल भी कहा जाता है। तो ये 2 ग्लास चावल और 1 ग्लास उड़द दाल हमने लिए। अगर आप मेजरमेंट कटोरी या फिर कप से कर रहे हैं तो आपको 2 कप चावल और 1 कप दाल लेनी है। अगर आप ग्राम्स में मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको 500 ग्राम चावल और उसका आधा यानी 250 ग्राम आपको दाल लेनी होगी। तो अब इसे हम 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो देखिए, इसे हमने 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। तो 2 इंच ऊपर तक इसमें पानी होना चाहिए। तो इसे हम रख देंगे भीगने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए। 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे पहले हमने ये दाल और चावल को पानी में भिगोया था। तो अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे पीसते टाइम हम यही पानी यूज़ करेंगे जिसमें हमने ये चावल और दाल भिगोए थे। तो इडली का बैटर पीसने के लिए यहाँ पर दाल और चावल मैंने जार में डाल दिए हैं। इसी के साथ हम इसमें ये थोड़े से पके हुए चावल भी डालकर इसे दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो इसे हम बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करेंगे, इसे हमें जैसे रवा होता है बस उसी तरह से दरदरा हमें पीसना है। तो ये इडली का बैटर अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, तो हम इसे एक स्टील के बर्तन में डालेंगे। इसे एल्यूमिनियम के या फिर लोहे के बर्तन में हमें नहीं डालना है। तो कोई भी बड़ा स्टील का बर्तन हम लेंगे और उसी में सारा बैटर डालेंगे। तो देखिए, सारा इडली का बैटर मैंने पीस लिया है और इसे पीसने के लिए मैंने वही पानी यूज़ किया है जिसमें हमने चावल और दाल भिगोए थे। तो देखिए, ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो जितना पानी हमें इस बैटर में ऐड करना है वो हम अभी ऐड करेंगे, बाद में इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। तो देखिए, अब ये जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। तो अब हम इसमें ये 1/2 चम्मच मेथी पाउडर ऐड करेंगे। तो मेथी दाना जो होता है उसका पाउडर हम इसमें 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। अगर आप पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जब चावल और दाल भिगो रहे होंगे तभी आप इसमें 1 चम्मच मेथी दाना ऐड करके इसे भिगो दें। तो मेथी भी चावल और दाल के साथ अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी और आपको इसमें पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक कर रख देंगे ओवरनाइट, या फिर आप इसे 10 से 12 घंटे भी रख सकते हैं। तो इसे हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो ताकि इसकी फर्मेंटेशन अच्छे से हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ओवरनाइट इसे रखने के बाद इसकी फर्मेंटेशन जो है वो कितनी अच्छे से हुई है, आटा जो है वो फूलकर डबल हो गया है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जब बैटर की फर्मेंटेशन हो जाएगी, जब इसमें अच्छे से खमीर आ जाएगा तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, उससे पहले हमें इसमें नमक ऐड नहीं करना है। अगर आप इसे सर्दी के दिनों में बना रही हैं तो पहले आप चूल्हे पर 2 मिनट के लिए तवे को गर्म करें और फिर इस बैटर के बर्तन को उस तवे पर रख दें ताकि इसकी फर्मेंटेशन अच्छे से हो सके। फर्मेंटेशन अच्छे से होगी तभी आपकी इडली जो है वो सॉफ्ट बनेगी। नमक को हम बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम पकाने के प्रोसेस को करेंगे। तो सबसे पहले हम इडली के सांचे को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम चम्मच से इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। तो इडली के सांचे को हमें पूरा नहीं भरना है, इसमें थोड़ी जगह हम बाकी रखेंगे ताकि इडली को फूलने में स्पेस मिल सके। इसके बाद हम गैस पर इडली का कुकर रखकर उसमें 2 ग्लास के करीब पानी डाल देंगे और फिर हम इसमें ये सारे इडली के सांचे रख देंगे। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो 5 से 7 मिनट बाद हम इडली के सांचे को निकाल कर उसे ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम चाकू की मदद से इडली को सांचे से निकाल लेंगे।
तो इस तरह से हमारी टेस्टी और सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।